अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका नसरिन के व्लॉग चैनल पे। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला सभी 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 को अच्छा रखे, खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दौलत शोहरत इज्जत से नवाजे मेरा मालिक। तो दोस्तों आज हम लोग आ गए खालापुर, जहाँ पे हम लोग आए झरने पे। यहाँ पे थोड़ा बारिश रुका है, लेकिन हम लोगों को इंशाल्लाह वहाँ पे जाके नहाने का है। और ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा पानी आएगा उतना मजा आने वाला है। तो आप लोग भी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो चलो फटाफट जाते हैं, क्योंकि शाम होने को आ गई, हम लोगों को आते आते इतना लेट हो गया। हमने गाड़ी उस साइड में पार्क की है और हम लोग इस साइड में चल के आए। इधर से आ जा, साइड से चल आ जा। तो चलिए दोस्तों आते रहिए हमारे पीछे पीछे, फटाफट से जाएंगे, काफी शाम हो गई है। और ये रोड पे ये झरना ऐसा है, सीधा रोड पे से दिख रहा था इसलिए हम लोग आ गए, क्योंकि थोड़ी रात भी तो कोई डर नहीं है, क्योंकि सामने से हाईवे रोड गया है इसलिए। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं वो पहले बड़े वाले झरने के पास और फिर जाएंगे इधर छोटे वाले झरने के पास। तो पहले बड़े वाले झरने के पास में जाते हैं। देखो जो नहाने वाले लोग हैं वो फटाफट भाग रहे। भाई छतरी किधर है? बारिश चालू हो गई दोस्तों यहाँ पे। झरना थोड़ा कम है लेकिन अच्छा है, लग तो ऐसा रहा था दूर से कम है, लेकिन यहाँ से इतना शोर है इसके ऊपर से पैर फिसल सकते हैं। देखिए दोस्तों ये पहुंचे भी वहां पे, काफी दूर है यहाँ से। अभी मैं उधर नजदीक जाऊँ तो पूरे मेरे मोबाइल के ऊपर पानी उड़ेगा, इसलिए मैं नहीं जाने वाली। अच्छा है, बड़ा है, मजा आ रहा है। ये देखिए यार, थोड़ा सा जल्दी आ जाते तो हमको भी, मुझे भी थोड़ा एंजॉय करने के लिए मिल जाता। ये डर गया इसलिए ये भाग के आ गया, बोले पापा आ गए करके मैं भी आ गया। गई भी बारिश में। तो दोस्तों जो बारिश आ रही थी वो गई अभी बंद, और यहाँ पे इन लोगों का एंजॉयमेंट चालू है। यहाँ पे कोई भी नहीं है फिलहाल, ये दोनों ही बाप बेटे हैं। ये क्या लगा है पैर को इतना काला? ये वीडियो में आएगा सब। बोरी बस करो, इन लोगों का बस ही नहीं हो रहा है दोस्तों। देखो इसके तो पुशअप चालू होगा यहाँ पे, बहुत हो गए तो चार पांच पुशअप उसके ऊपर। नहीं जैसे ये झरने के नीचे नहाएंगे दोस्तों गोरे हो जाएंगे, क्योंकि हमारा सोयल इतना काला दिख रहा था, देखो कितना गोरा दिखने लगा तुरंत, बिना साबुन बिना शैम्पू के। मजबूत और टिकाऊ पानी, पूरे जड़ी बूटी का पानी आ रहा है नीचे, और इतना मीठा पानी है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे बस हो गया नहा के, लेकिन इन लोगों को बस नहीं हो रहा है, शाम हो रही है। हम लोगों को जाने का, पीछे का देख कितना अच्छा लग रहा है, वो पहाड़ पे पूरे बादल उतरे हैं नीचे। ये खालापुर है, मैंने खालापुर बोली है, खालापुर में ही है दोस्तों हम लोग। खालापुर से 1 से 2 किलोमीटर पहले ही है ये झरना, हाईवे रोड टच है, मुंबई ओल्ड हाईवे टच है ये, ऐसे रास्ते से ही दिख जाएगा। और यहाँ पे सब मतलब ऐसा कुछ डरने वाली बात ही नहीं है, सब कंफर्टेबल है एकदम। थोड़ा सा छोटा सा झरना है, कुछ ज्यादा पानी वानी आने के कोई चांस नहीं, आराम से आ सकते, आराम से नहा सकते, एंजॉय कर सकते, बहुत मजेदार पानी है ये। लेकिन मेरा मूड हाफ इसलिए हो गया क्योंकि बहुत शाम हो गई और इतने शाम में मुझे नहाने का नहीं है यहाँ पे, बस इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये झरने पे नहा के खत्म हो गया जो मेरे पीछे दिख रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं छोटे झरने पे नहाने के लिए, लेकिन वहां भी यही लोग नहाने वाले हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से फटाक से निकलूं, शाम हो रही है इसलिए मेरे को, और ये लोग सुन ही नहीं रहे। इनका नहाना बनने वाला है, नहाने ज्यादा तो इनका नाचने ही बनने हो रहा है दोस्तों। देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है पीछे का, माशाल्लाह अच्छा लगा, मजा आया। लेकिन सिर्फ मैंने नहीं नहाई क्योंकि रात होने की, शाम होने की वजह से बस, नहीं तो मेरा भी मन तो बहुत कर रहा है। चले मैं तुमको बताती हूँ, अभी छोटा वाला झरना बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। देखिए ये है छोटा सा झरना जो काफी पानी है इसके अंदर, छोटा है लेकिन काफी सारा पानी है, और इतना मीठा पानी है दोस्तों ये कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे हम लोगों ने हमारा सामान रखे, टिफिन हम लोगों ने लेके आए थे, मेथी के पराठे वराठे तो कुछ खा लिए थे गाड़ी में, और अभी कुछ बाकी है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से ये बना है, इसको क्रॉस करते हैं ऐसे। अरे माशाल्लाह है, बोल रहे सब लोग यहाँ पे दोनों भी। अरे वाह 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 वाह, ये देखो भाई इनके मजे, ये दोस्तों कैसे लोग नहा रहे हैं और कैसे एंजॉय कर रहे हैं मजे, माशाल्लाह। भूसी डैम में हम लोग मुंडे डुबा के नहाते, पिछले साल गए थे, वो भी वीडियो हमने अपलोड किए, अगर आपको देखना है तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है भूसी डैम का पिछले साल का। ये साल भी हम लोग वहीं पे जाने वाले थे, लेकिन काफी शाम होने की वजह से हम लोगों ने सोचे कि वहां नहीं जाके हम लोग यहीं पे, रास्ते से हमको जो झरना दिखा हम लोग यहीं पे नहा लेते हैं, क्योंकि बता रहा था यहाँ से वहां पे जाने का 1 घंटा मतलब 8 बज जाते थे, और वहां पे कोई लाइट नहीं है, जो
भूसी डैम का जो डैम का पानी आता है जो सीढ़ी के ऊपर से उस साइड में जाने वाले थे हम लोग, ना कि उधर जिधर वो हादसा हो गया जो बीच में, वहां पे नहीं जाने वाले थे, इधर से ही जाने वाले थे जो सीढ़ी है, पूरे सीढ़ी से पानी आता है उधर। लेकिन वहां पे हम लोगों को जाने के लिए नहीं मिला क्योंकि रात हो जाती थी और जाके कोई फायदा नहीं था। तो रास्ते में ये लोग हम लोग जाने के टाइम में देख के गए थे, इसलिए हम लोग सोचे कि अभी आते आते वापस इधर ही नहा लेंगे। तो देखो कैसे ये लोग नहा रहे हैं यहाँ पे, ऐसे बैठे जैसे घर में पलंग बिस्तर पे बैठे थे ना, सोफे बीपे पे ऐसे बैठे ये लोग, देखो कैसे इनके मजे हो रहे हैं माशाल्लाह। ऐसा पानी में एक बार बैठेंगे ना, मन नहीं करता ना बाहर आने के लिए। देखो हम लोगों ने शैम्पू वगैरह सब लेके आए थे, लेकिन वो गाड़ी नहीं है और हमारी गाड़ी आपको यहाँ से दिख रही होगी, और देखिए व्हाइट वाली गाड़ी है, उसके बाजू में खड़ी है। इंशाल्लाह जरूर आएंगे इसके बाद में और इंजॉय करने के लिए, क्योंकि मेरी बारी बाकी है इंशाल्लाह। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है? अरे पानी बंद हो गया दोस्तों यहाँ का, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वापस से आ गया तो चलिए दोस्तों यहाँ पे नहाना वगैरह सब हो गया और इन लोगों ने कपड़े भी चेंज कर लिए, जैसे कि मैं बता रही हूँ आप देखिए इस तरीके से सब हो गया। हमने सामान भी हमारा सब कुछ ले लिया, खाने का भी ले लिया, तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने बहुत इंजॉय किए दोस्तों। देख सकते हैं इतना प्यारा झरना है, इतना प्यारा नेचर लग रहा है माशाल्लाह। नागी ऐसे पकड़ के काट लेता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जद्दोजहद चालू है सफेद खेकड़े के लिए, और सफेद खेकड़ा है ये देखो इस तरीके से गया ये अंदर, अभी दूसरा इंजन आएगा ये देखो। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये खेकड़े छोड़ रहे क्योंकि पुकटी उनका घरदार है यहाँ पे, उसको घरदार से अपन उधर लेके जा रहे हैं गाँव में, क्या मतलब है, निकालो उसमें से बॉटल झटक वो। देखो कैसे भाग गए ये लोग, चलो बाय बाय खेकड़ो, एंजॉय करो। देखो क्या है, तो दोस्तों खेकड़ो को छोड़ दिया, खेकड़ो को करे बाय बाय। तो दोस्तों नहा धो के हो गया, बहुत एंजॉय करे हम लोगों ने, अभी थोड़ी सी भूख लगी है, तो अभी हम लोग वहां से झरने से पूरे वो जंगल से बाहर आए और अभी सोचे थोड़ा सा कुछ खा लेते। हम लोगों ने घर से वैसे लेके आए थे बना के मेथी के पराठे, वैसे तो काफी सारे मेथी के पराठे हम लोगों ने खा भी लिए, थोड़े से है इसके अंदर, तभी हम लोग ये मेथी का पराठा भी खाएंगे माशाल्लाह। देखो कितने प्यारे हमारे मेथी के पराठे बने थे, चलो एक ये कैसा बना बताओ मेरे को। अरे मैं सबसे पहले हमारे कैमरा मैन के मुंह में डालती हूँ, नहीं खाएगा उसको, नहीं खाने का हमको भी खाते हैं। और साथ में चपाती भी लेके आए थे, केला भी लेके आए थे हम लोगों ने, केला पक गया अभी, ओरिजिनल पका ही है, पूरे कच्चे ही थे। अगर जल्दी से जल्दी जा रहे ना अपन, जब जा रहे थे उस टाइम पे जा रहे ना अपन, हाँ भी ले रही हूँ वहाँ पर, मगर सिर्फ मेन बात क्या होगी, ये दही के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों, वैसे बिना दही के भी इतने सॉफ्ट और इतने प्यारे हमारे मेथी के पराठे बने हैं माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, अमेजिंग लग रहा है, अमेजिंग। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज एंड लव यू ऑल।